पाकिस्तान। अच्छा तो वो देखते है क्या सीन है, क्या इतना बड़ा वो एक प्लेयर बन गया कि वो बाकी जो प्लेयर्स हैं, हम चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, इस वक्त इंडिया के सामने किसी की चल नहीं रही। बीएसएल एक छोटे से इवेंट को इवेंट मैनेजमेंट टीम बना के रख दिया ना, बना लेते आप, किसी ने मना थोड़ी किया। तो ये सारी चीजें डॉग, फिर हम किसी और की कामयाबी पे हमें जेलसी नहीं होनी चाहिए। आईपीएल वहाँ हो रहा है, पैसे वहाँ हो रहे हैं, प्लेयर्स का इंक्लिनेशन सारा इंडिया की तरफ है क्योंकि आईपीएल खेलते हैं वो। तो एक सिनेरियो इस तरह का डेवलप हो गया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कोई भी मुल्क जो है इस वक्त इंडिया के सामने हथियार डालने पे मजबूर है। अब ये कल हेलम ऑफ अफेयर में बात हो रही है आईसीसी के हलकों में भी कि इंडिया पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी, तो अगेन उन्होंने डिस्कशन शुरू हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल पे बात करें, कुछ ऐसा सोचा जाए। बहुत बुरे हालात है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आईसीसी ने पीसीबी पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर दबाव डालना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आईसीसी ने पीसीबी को साफ कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस सब में बीसीसीआई की साजिश है। दरअसल आप सबको पता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी में विवाद चल रहा है। कुछ दिनों पहले बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने यह साफ कर दिया था कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में कभी नहीं जाएंगे, तभी से आईसीसी की टेंशन बढ़ गई है और यही कारण है कि आईसीसी ने पीसीबी को साफ कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला चुकी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो में। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, इन सारे मसाइल को कैसे देख रहे हैं, उसकी होस्टिंग तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी आएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए इस वक्त इंडिया ना सिर्फ हमसे बहुत स्ट्रांग है बल्कि अगर आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से भी उनकी मुआवजा कर लें तो वो इस वक्त बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो ही दे आर जनरेटिंग ऑल द मनी, सारी मार्केट बड़ी उनकी है, सारा जो इस वक्त होल्ड है क्रिकेट पे इस वक्त इंडिया का है। तो इतना बड़ा वो एक प्लेयर बन गया है कि वो बाकी जो प्लेयर्स हैं, हम चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, इस वक्त इंडिया के सामने किसी की चल नहीं रही और आईसीसी बेचारा भी एक तरह से महकूम हो गया इंडिया को, बिकॉज दे आर और सारे फाइनेंसियल वहां से आ रहे हैं, आईपीएल वहां हो रहा है, पैसे वहां हो रहे हैं, प्लेयर्स का इंक्लिनेशन सारा इंडिया की तरफ है क्योंकि आईपीएल खेलते हैं वो। तो एक सिनेरियो इस तरह का डेवलप हो गया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कोई भी मुल्क जो है इस वक्त इंडिया के सामने हथियार डालने पे मजबूर है, बिकॉज आईसीसी और पैसा और वो सारी जो मैंने अभी सारी बात की है सब में आपने आपने जो खर्चा जाहिर किया है ना, वो मुझे बहुत लंबे अरसे से था, जब हाइब्रिड मॉडल का एक शोषा छोड़ा गया था मुझे तब से ही था, लेकिन वो है मिनी वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आपको उसकी होस्टिंग मिली, अल्लाह अल्लाह करके वो आईसीसी का पहला इवेंट 16-17 साल बाद हमें मिला। अब हम इसमें से 8-9 टीमें उठा के बाहर ले जाएंगे, हमें क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। हाँ देखिए मुझे शक है और बहुत पक्का शक है मुझे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, वो कहीं और ही करना पड़ेगा और बेस्ट सोल्यूशन इसमें यही निकालना पड़ेगा कि बाकी टीमों से हम पाकिस्तान में खेलें और इंडिया से या किसी थर्ड कंट्री में खेलें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया मानेगा। लेकिन मैम एक चीज, अगर कोई स्टेबल पीसीबी होता। अच्छा एक चीज, आपने बहुत अच्छी बात की, स्टेबल पीसीबी होता। एक चीज, खाली इंडिया का मैच पाकिस्तान से नहीं होगा, फिर उन टीम से भी होगा, तो वो सारी टीम्स को आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा, हमारे पास तो जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो इसी में खर्च हो जाएगा। हाँ देखिए फिर जगह इंडिया के अगेंस्ट भी जो टीमें खेल रही होंगी वो मैच, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच तो होगा ही बाहर, फिर इंडिया का जिस टीम के अगेंस्ट मैच होगा वो भी बाहर होगा। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब ये इंडिया से खेलना हमें एक किस्म का नुकसान ही दे जाएगा, क्योंकि ना के हम पैसे कमाए अपने मुल्क में और वो
इंडिया पाकिस्तान का रेवेन्यू हासिल करें, बल्कि हमें तो उल्टा वो भी नहीं मिलेगा और टीमों को भी बाहर ले जाना पड़ेगा. सो दिस इज अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन. आई मीन आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट बिकॉज़ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिचुएशन है. इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है. काश के ताल्लुकात अच्छे होते तो फिर ये मसाइल ना होते, लेकिन अब जो फैक्ट है वो यही है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं है. और अगर एक साल में अच्छे हो गए तो क्या पता फिर मैच हो भी जाए. मुझे नहीं समझ आती. ठीक है कि हमारी बेबसी है, क्योंकि हमारी इनकॉम्पिटेंस है कि हमने जो एशिया कप में करके दिखाया है वी है वर्चुअली बीन डिक्टेटेड बाय जय शाह साहब. सो वो ही उनको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो डिक्टेट हुए हैं वो क्यों हुए हैं, वो घुटनों के बल क्यों आगे खड़े हुए. और आई स्वेयर मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि हमें इस कैपेसिटी का आदमी चाहिए. व्हाट जय शाह हैज डन फॉर बीसीसीआई एंड व्हाट जय शाह हैज डन फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट. वो पावरफुल ना सिर्फ पावरफुल है, वो अब होल्ड कर रहे हैं पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को. और उन्होंने हॉस्टेज बना लिया है. अब तो पहले पोलराइजेशन हम कहते होते थे कि यार टॉप टीम अलग होंगी, हमारे जैसी मिडिल टीयर या लोअर टीयर अलग होंगी. अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया. उन्होंने पोलराइजेशन ये कर दिया कि हम बहुत ऊंचे हैं भाई. पाकिस्तान गया, इंडिया वहां पे सीरीज खेला इसी बात पे कि इंडियन टीम वापस पाकिस्तान आ जाएगी, तब भी नहीं आई है. लेकिन इंडियन टीम उन्होंने नहीं भेजा. तो भाई साहब मैं तो इंडियन वाले तो वो तो है, वो तो पूरे अब वो तो बॉस बन चुके हैं. क्योंकि मैं एक चीज कहूँ, शायद आप लोगों को बुरा माने, अगर पाकिस्तान क्रिकेट की जो बोर्ड है उनके साथ दो से तीन टीमें खड़ी हो गई कि यार आप लोग को जाना हो गया, और इंडियन बोर्ड को ये कह दे इंडिया की बोर्ड ये मान जाएगी, मान जाएगा. लेकिन कोई कड़ाई नहीं होता, क्योंकि इंडिया के जा नहीं सकता. हर कंट्री वाले प्लेयर्स आईपीएल में खेल, तो आईपीएल खेलते हैं, ऊपर से आईसीसी को जीते हमारे टीम को चार पांच छह प्लेयर हमारे खेल रहे हैं. दस तक तो थोड़ी ना पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा इंडिया. बांग्लादेश के, श्रीलंका के प्लेयर, बांग्लादेश के हैं, इंग्लैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, ऊपर से जो है इन लोगों को पहले दिन से मतलब बिल्कुल सख्त होना चाहिए. जब ये सीन चल रहा था ना कि वर्ल्ड कप हम लोग आएंगे फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आओगे या आओगे, मतलब ये जो पाकिस्तानी बोर्ड खेल रहे थे, मैं कह रहा था कि यार अगर वो लोग नहीं आएंगे नहीं जाओ. अगर विपरीत मॉडल खेलेंगे तो इंडिया के विजय सारे बाहर होंगे और जितने पैसे लोग यहाँ पे कमा रहे वो आने जाने में लग जाएंगे. यही तो एक चीज है, अगर इंडियन टीम को अपनी कंट्री नहीं ला सकते तो इस टूर्नामेंट का पूरा जो है मतलब वो चला जाएगा, ये तो फ्लॉप हो जाएगा, मतलब पीका बन जाएगा. तो इंडियन टीम को इन लोगों ने लाना होगा, क्योंकि क्राउड और स्पॉन्सरशिप और टीआरपी है सब कुछ इन लोगों को मिलेगी तो वो तो आएगी नहीं. तो भाई साहब बल्ले बल्ले ये लोग भी उसमें दो चार है सोचने में क्या करे करे तो क्या करे. बाकी वीडियो तक पसंद आई प्लीज सोशल फॉर इट साथ मुझे लाइक करें. सब्सक्राइब करें. तुम देर से फॉलो कर रहे हो. सो अभी के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.